वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात के हवाले से। हमारे मेहमान हैं नजमुद्दीन शेख साहब, जिनसे ब्रेक से पहले मैंने डायरेक्शन दी थी कि हम अब ये पूछने की कोशिश करेंगे कि हमारे एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर के क्या ख्याल आते हैं इंडिया के हवाले से। शेख साहब, पहले तो ये बताइए सर, एज अ करियर डिप्लोमेट, आप पहले ये बताएँ कि आप जब इंडिया की बात जब आती थी, चाहे आपकी जितनी भी ऑटोनॉमी हो बाकी सारे सेक्टर्स में, जब इंडिया की बात आती थी तो फिर डिक्टम जो है वो खुफिया इदारों की तरफ से या हमारे फ़ौज की तरफ से या हमारी इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर की तरफ से आता था, या आपके अपने पास थोड़ा बहुत जगह होती थी कि कुछ आप भी कह दें और कुछ आप भी कर लें? देखिए, जहाँ तक ब्यूरोक्रेट का ताल्लुक है, ब्यूरोक्रेट का फंक्शन एक होता है कि वो अपना मशवरा दे और अपने तजर्बे के बिना पे बताए कि उनके ख्याल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। उसके बाद जब सियासी फैसला होता है तो ब्यूरोक्रेट का काम ये होता है कि उस फैसले को पूरी तरह से बजा लाएं। ये है सही सिविल सर्वेंट की कोर्ट की कहना। इसी तरह मेरे ख्याल में मिलिट्री का भी यही, क्योंकि मिलिट्री तो सोचती है इस चीज़ का कि दिफाए सरहद मेरा काम है। अब हमारे यहाँ इसको बढ़ा के एक वक्त पे ये कहा गया था कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के भी मुहाफिज मिलिट्री है, वो अब तो मुझे लगता है कि वो दूर हो चुका है, लेकिन अगर दूर नहीं हुआ है तो उसको शुरू से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था कि ये मिलिट्री का काम नहीं है। मिलिट्री का काम ज़रूर ये है कि आपकी सरहदों की दिफा करें, और सरहदों की दिफा कैसे की जाएगी उस पर अपना मशवरा दें, लेकिन सियासी क़यादत का फैसला होना चाहिए कि क्या इस दिफा के बिना पे हम सियासी किस किस्म के नुकसान होंगे, किस किस्म के तजारती नुकसान होंगे, किस किस्म के इक्तसादी नुकसान होंगे, और अगर इस दिफा को इस नौयत से न किया जाए लेकिन कोई और तरीका ढूंढा जाए तो हमें कौन से फवायद हो सकते हैं। ये सियासी क़यादत की का फंक्शन है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये रही है कि हमारे 63 साल की ज़िंदगी में, 64 साल की ज़िंदगी में 30 साल से ज़्यादा आप पे मिलिट्री हुकूमत रही है, और मिलिट्री हुकूमत जब रहती है तो वो जो सियासी क़यादत की मैं बात कर रहा हूँ, वो सियासी क़यादत और मिलिट्री क़यादत एक ही रही है, और फिर उसकी वजह से डोमिनेंस रही है, इनके जो सिक्योरिटी पैराडाइम हो उसकी डोमिनेंस रही है। अब मुझे लगता है कि उसमें चेंजेस आ रही हैं, और मुझे लगता है कि इस सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में भी चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि जब तक कि आपके पास एक फलता फूलता इक्तसादी निज़ाम नहीं होगा, तब तक आप इस फौज को नहीं सपोर्ट कर सकते, नहीं आप उस किस्म की दिफा कर सकते हैं जिसकी आप समझते हैं कि आपको ज़रूरत है। सही शेख साहब, ये तो ठीक सर, आपने कहा सियासी एक ब्यूरोक्रेट का काम, एक फॉरेन सेक्रेटरी का काम होता है सियासी ख्यालात की तर्जुमानी करना और बीच में अपनी एडवाइजरी देना। सवाल मेरा फिर इस पहले सेंटेंस पे ही अटक जाता है सर, कि जब सवाल आता है भारत का तो फिर सियासी ख्यालात की तर्जुमानी हो रही होती है या अस्करी ख्यालात की? देखिए, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स अस्करी क़यादत के साथ बात नहीं करता, वो बात तो और जो तजर्बा और जो रिकमेंडेशंस देता है, जो मशवरा देता है, वो सियासी क़यादत को देता है। सियासी क़यादत को मेरी भी बात सुननी होती है, अस्करी क़यादत की भी बात सुननी होती है, अपने इक्तसादी माहिरीन की भी बात सुननी होती है, और उसके बाद फैसला करना होता है कि इन तीनों को कंबाइन करके किस चीज़ पे, किस पॉलिसी पे पहुंचना चाहिए। अब मैं आपसे कहूं कि मैंने कहा था कि साहब ट्रेड बढ़ाना हमारे लिए ज़रूरी है, या जो जिस जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन की हम बात करते हैं कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है क्योंकि उसकी जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, वो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन तो सिर्फ इस बिना पे है कि हम तिजारत का एक मरकज़ बन सकते हैं, हम एक तिजारत का ट्रांजिट पॉइंट बन सकते हैं। इसके साथ अस्करी क़यादत इत्तेफाक करे न करे, ये फैसला सियासी क़यादत को करना होगा कि कौन से पहलू पे हमें ज़्यादा तवज्जो देनी है और कौन से पहलू। देखिए, आप ये भी सोचने की कोशिश करें कि जब जिनको आपने दिफा की जवाबदारी दी है, अगर आप उनसे कहें कि साहब हम रिश्ता बढ़ा रहे हैं लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो मसले हैं वो हल हों,
तो कोई आपको जवाब देगा, और ये न सिर्फ अस्करी क़यादत लेकिन और भी आपको जवाब देंगे कि साहब हल तो किसी मसले का हो रहा नहीं, हम उन चीज़ों पे बढ़ रहे हैं जिन पे हिंदुस्तान बढ़ना चाहता है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम नजमुद्दीन शेख साहब से साथ कॉन्वर्सेशन शुरू करने की और कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।